हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ साड़ी से, पुरानी साड़ी से एक बहुत ही आसान सा लहंगा। और इसके लिए मुझे बॉर्डर जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इसमें, साड़ी में, तो मैंने दूसरा बॉर्डर लगाया है सबसे पहले तो। और ये जो लेस है, गोटा है, वो भी लगा लिया साथ में, ग्रीन वाला जो इसका पार्ट था उस पर। और इसको काटना इतना आसान है, इसकी जो मेरी लेंथ थी वो है 40, तो मैं 36.5 इसकी लंबाई रख रही हूँ, क्योंकि फिर ऊपर से ग्रीन है और ग्रीन पार्ट मुझे लाना भी नहीं है, तो मुझे इतनी ही लंबाई इसकी रखनी होगी लहंगे की। और बस इसको ग्रीन वाले पार्ट को हटा देना है खाली। और ये सारी पूरी साड़ी मैंने यूज़ की है इसमें, बस खाली स्लीव्स के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा रख लिया था। तो ये है मेरी बेल्ट मैंने बना ली है, और 18.5 इसकी लंबाई है, और जो ब्रिथ है इसकी 5 इंच है। और ये बस इसमें घूम भरने हैं, पूरी साड़ी को मैंने इसमें बेल्ट में लगा लिया, ऊपर से सारे में घूम भर दिए छोटे छोटे। और ये बेल्ट बस फोल्ड कर देंगे, और इसमें और ये जो फैब्रिक बचा था इसका पल्ले वाला, इसमें ये जो दिए हुए थे वो मैंने काट लिए हैं। और इससे मैंने बना ली है लहंगे की जो डोरी, और ये ग्लू से चिपका ली है मैंने, फैब्रिक ग्लू से। और जो पीछे लगाया है इनके, वो रेड कलर का इसी साड़ी का जो थोड़ा सा फैब्रिक था वो लगा लिया है, चिपका लिया है। और इसमें बेल्ट लगा ली है, बेल्ट के साथ में अब मैंने चैन भी लगा ली है लहंगे में साइड। ब्लाउज जो था वो वही वाला ब्लाउज है जो इसका साड़ी का था, बस इसमें स्लीव्स मैंने रेड लगा ली है, और गोटे से थोड़ा सा इसमें बॉर्डर बना लिया है, और प्रिंसेस कट बना लिया है। और ये बेल्ट जो है मैं ब्लाउज में नीचे लगाऊंगी, और इससे थोड़ी लंबाई भी इसकी बढ़ जाएगी ब्लाउज की। और ये बेल्ट इस टाइप से आगे से खुली होगी और पीछे से अटैच्ड होगी। और ये बेल्ट मैंने बना ली है, जैसे हुक लगाते हैं ब्लाउज में, वैसे ही मैं इसको लगाऊंगी, 2 या 3 इसमें हुक लग जाएंगे। और इसमें थोड़ा टाइट वाला जो फैब्रिक होता है वो लगा लिया है मैंने, ताकि ये बेल्ट थोड़ी खड़ी खड़ी सी रहे। और ये इस टाइप से साथ में अस्तर भी लगा लिया है इसके पीछे, और ये अटैच कर ली है बैक पार्ट से, आगे से ये खुली रहेगी बेल्ट, और आगे से हुक लग जाएंगे। इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दी है, ताकि ये बैठ जाए खड़ी खड़ी सी ना रहे। और इसके बाद ये आगे से बिल्कुल बेल्ट की जैसी ही लगेगी, जैसे बेल्ट लगा रखी हो वैसी ही लगेगी ये, जैसे ऊपर से बेल्ट लगाते हैं हम साड़ी में या लहंगे में। और ये बस खाली पीछे से ये अटैच्ड है, और फ्रंट पार्ट जो है वो ओपन है इसका। अब मैं इसमें 3 हुक लगा लूँगी बेल्ट में, ब्लाउज तो मेरा पुराना ही है तो इसमें हुक वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो था ये उसमें बचा था जो मैंने डिजाइन दिया हुआ था, वो मैं फैब्रिक ग्लू से इसमें चिपका दूंगी बेल्ट में दोनों साइड। तो ये बेल्ट बहुत सुंदर बेल्ट बन गई है चिपकने के बाद, ये 2 बैंगन जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। और इस टाइप से बस आसानी से मेरा लहंगा इतना तैयार हो गया है। और ये लटकन लगा दी है साइड में, और नीचे जो है वो गोटा पट्टी वगैरह से ये थोड़ी सी डिज़ाइन की है, ब्लाउज को थोड़ा सा रिनोवेट किया है, और ये इतना आसान लहंगा बिल्कुल बनके तैयार हो गया। और ये जो बेल्ट है वो आगे से हुक से बंद हो जाएगी दुपट्टे के, जैसे दुपट्टा ओढ़ते हैं उसके बाद ये बेल्ट लगा लेंगे। तो इसमें लहंगे में मैंने ऊपर की साइड चैन भी लगाई है, क्योंकि जितनी बेल्ट थी मेरी वो मैंने फिटिंग की बेल्ट रखी है बिल्कुल। और ये चैन लगा ली है, जिससे ये पहनने में आसानी से पहना जाएगा। और साइड में, दूसरी साइड में ये लटकन लगा दी है, इसके पीछे जो है वो इसी का जो फैब्रिक था वो चिपकाया है मैंने फैब्रिक ग्लू से, और ये कट कर लिए थे। और ये इस टाइप से दुपट्टा ओढ़ने के बाद ऐसे ये बेल्ट लगा लेंगे। तो फाइनल लुक लहंगे का ये है, इतना आसानी से बनने वाला लहंगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर